लोग से कोई संपर्क उससे नहीं हुआ था, और हम लोग ने वीडियो वायरल देखा कि पंप पे गिर गया। हम गाड़ी चलाते हैं, हमको पता है कौन सा पंप कहाँ पे है, तो पता मिला वो पंप पे। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा भतीजा वहीं पे काम करता है और वो ड्यूटी पे था। घर पे फ़ोन किए तो पता चला कि घर ड्यूटी पे। हम लोग भाग के गए, लगभग वहाँ हम 5-6 बजे तक पहुँच गए थे। हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता मिली, तो क्रेन की सहायता से हमने 3 गिर्डर को उठाया था। और 3 गिर्डर के नीचे हम लोगों ने जो 4-व्हीलर्स है, 4-व्हीलर्स में दबे हुए 9 बॉडीज को निकाला, जिसको डॉक्टर ने फिर मृत घोषित किया। इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अवैध रूप से पिछले 2 सालों से इस होर्डिंग को ऑपरेट कर रहे थे, आखिर बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के, उन लोगों के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। और सूत्रों के माने तो इस मामले में बहुत जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुदरत का कहर या फिर इंसानी लापरवाही कि 14 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। अब ये हादसा हुआ है घाटकोपर में, जहाँ पे कल कुछ ही समय के लिए बारिश आई, एक विंड स्टॉर्म था, जिसके चलते ये बिलबोर्ड जो है वो आ गिरा इस पेट्रोल पंप पे। अब कल बारिश हो रही थी, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे शेल्टर भी ले रहे थे, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के चलते जो है 14 लोगों की अब मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल है, और 30 से ज्यादा लोग अभी भी क्रिटिकल है बीएमसी के डेटा के हिसाब से। पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गाड़ियां बिल्कुल ही ज्यादा चकनाचूर हो गई है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होगी जब ये बिलबोर्ड जो है वो कुछ ही सेकंड में आ गिरा और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों की मौत जो है मौके पे ही हो गई थी। हालांकि एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस, बीएमसी, एमएमआरडीए, सारी जो अथॉरिटीज मुंबई में है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हाथ बढ़ाया, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, बट लोगों की जो है कुछ लोगों की जान नहीं बचा पाए। हालांकि अभी ये बिलबोर्ड के जो मालिक है उनके ऊपर एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि एक हाई लेवल ऑडिट होगा कि क्या इसमें परिस्थितियां थी, कौन इसमें जिम्मेदार है, वो भी जांचा जाएगा। हालांकि बीएमसी का कहना है कि ये अनऑथराइज्ड बिलबोर्ड था। अब क्यों इस बिलबोर्ड को यहाँ पे अनऑथराइज्ड था तो रखा गया, क्या इसके रीजंस थे, वो अभी सामने आना बाकी है। बट काफी गंभीर जो है वो यहाँ पे परिस्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेम्पोज है, ट्रक्स है, जो बाइक्स है वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर अगर हम टैक्सी की बात करें, देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ढह गई है, कि हर बार जो है एक बारिश में मुंबई के बीएमसी की पोल खुल जाती है और दिख ही रहा है कि कभी पॉटहोल्स, कभी जो जर्जर इमारतें रहती है, या फिर कभी ऐसे जो हादसे होते हैं जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये बिलबोर्ड की जो लेंथ है वो एक आधा अगर फुटबॉल का ग्राउंड अगर हम समझे उतना उसका पूरा लेंथ और ब्रेथ है इस पर्टिकुलर बिलबोर्ड का। पर जब ये आ गिरा, काफी लोगों की जो है मौत हो गई, 14 लोग जो सिर्फ अपने घर से शायद पेट्रोल भराने के लिए निकले होंगे, बोल के निकले होंगे अपने घर वालों को कि मैं 10 मिनट में आता हूँ पेट्रोल भर के, और उनकी मौत हो जाती है। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मामले में पंतनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर जो है ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भावेश भिंडे और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 337, 338 और 34, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुद पंतनगर पुलिस स्टेशन की हालत देखें तो ये खुद जो है जूझ रहा है उस दिक्कतों से, जो आसमानी आफत जो आई उसके बाद यहाँ पर जो शेड लगा हुआ था वो शेड भी ढह गया। तो एक तरफ खुद पुलिस स्टेशन जो है वो खस्ता हाल में, वहीं दूसरी तरफ घाटकोपर के छेड़ा नगर में जो हादसा हुआ जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, तकरीबन 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी भी और 10 से 15 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अवैध रूप से पिछले 2 सालों से इस होर्डिंग को ऑपरेट कर रहे थे, आखिर बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के, उन लोगों के खिलाफ
पंत नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है और सूत्रों के माने तो इस मामले में बहुत जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस मामले के अंदर जो आरोपी जिसे बनाया गया है भावेश भिंडे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो फिलहाल अनट्रेसेबल है। वो कहाँ है किसे नहीं पता, ना वो दफ्तर में है, ना घर पर है, ना किसी फोन कॉल का वो जवाब दे रहा है। ऐसे में जो कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ है, क्या उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग पहलू हैं जिस पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। कल शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें से हम लोगों ने टोटल 88 लोगों को यहाँ से निकाला है। 88 में से 14 लोग जो है वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है, बाकी 31 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है और कुछ लोग जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को हमें 2 बजे जब ये हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता मिली, तो क्रेन के सहायता से हमने 3 गिर्डर को उठाया था और 3 गिर्डर के नीचे हम लोगों ने जो 4 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स में दबे हुए 9 बॉडीज को निकाला, जिसको डॉक्टर ने फिर मृत घोषित किया। अभी 2 गिर्डर जो है हम लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किए है। 2 गिर्डर के नीचे कुछ लोग फंसे होने की शक्यता है, मतलब हो सकते हैं, तो वो 2 गिर्डर हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन के सहायता से उठा रहे हैं और जो क्रेन से सहायता से उठ जाएगा उसके बाद हमारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा। फिर सर्च के बाद पता चलेगा कितने लोग वहां पे और फंसे हुए। एक्चुअली ये मेटल है, मेटल को कट करने के लिए हमारे पास गैसोलीन कटर है और ऑक्सीफ्यूल कटर्स है, लेकिन हम लोग उसको यूज यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पूरा पेट्रोल और डीजल है। अगर हम उसको यूज करेंगे तो फायर का भी चांसेस, एक्सप्लोजन का भी चांसेस है, इसलिए हम लोग जो है मैन्युअली सब काम कर रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज कर रहे हैं। परिस्थिति जो है बहुत खराब है घर की, अकेला बंदा कमाने वाला था, बाप घर पे रहता है और दादाजी यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, साइन में रहते हैं लोग, और परिस्थिति खराब है और देखो क्या करती है सरकार। और होर्डिंग इतना बड़ा था कि पंप पे जाके गिरा और पंप के नीचे सब दब गए होर्डिंग के वजह से। आप लोग को कब पता चला और क्या इस घटना की खबर जो है होर्डिंग गिरने के बाद उससे कोई संपर्क हुआ था, सॉरी सर हम लोग से कोई संपर्क उससे नहीं हुआ था, और हम लोग ने वीडियो वायरल देखा कि पंप पे गिर गया, हम गाड़ी चलाते हैं, हमको पता है कौन सा पंप कहाँ पे है, तो पता मिला वो पंप पे, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा भतीजा वहीं पे काम करता है और वो ड्यूटी पे था। घर पे फ़ोन किए तो पता चला कि घर ड्यूटी पे, हम लोग भाग के गए, लगभग वहाँ हम 5-6 बजे तक पहुँच गए थे। क्या अभी जो है आपको जो है बॉडी सौंपी गई है हॉस्पिटल की ओर से, अगर नहीं तो कब तक सौंपी? नहीं सर अभी सौंपी नहीं गई है बॉडी और बातचीत चल रही है, अभी देखो क्या आगे होता है। सर हम सरकार से या सबसे यही अपील करेंगे कि उसके अभी 4 महीने का बच्चा है, नई शादी हुई है, क्या लाइफ, कुछ लाइफ तो उसकी है नहीं, उसके परवरिश के लिए कुछ मदद करे सरकार और जो भी है और सब लोग उसकी मदद करें। अभी तो उसकी दुख की घड़ी है ही है और इस घड़ी में जो उसका सपोर्ट करे वही अच्छा है।